applause samajhte ho kya hota hai, thodi aur energy chahiye. I said round of applause. That was a great performance. Prateek Shivam, guys, bahut badhiya. Jackie, bahut badhiya. Kritika, hi. Bahut hi badhiya. Bahut badhiya. We are giving, haan. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही कमाल का ये डांस था. इसको प्रिपेयर करने में कितना टाइम लगता है वैसे आमतौर पे? क्योंकि थैंक्स टू मुदस्सर खान, जो मुदस्सर की वजह से. थैंक यू सो मच सर. कैन वी हैव यू सर? आइए. एक दिन में कोरियोग्राफ किया, एक दिन में कैसे? ऐसे टैलेंटेड पर्सनालिटीज होंगे तो फिर एक दिन में होगा. ये एक्चुअली ना मुदस्सर शिवम के बारे में बोल रहे हैं. आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द होल टीम, especially Nitin sir, Jackie, Kritika and both of my friends. So मुझे लगता है कि this whole movie, ये पूरी vibe इतनी अच्छी है कि सारे काम जल्दी होते हैं और अच्छे होते हैं. बिल्कुल. ये is he a, like a naturally gifted dancer or yeah, choreography करके सीखते हैं, क्या करते हैं? No, he's a really brilliant dancer, outstanding performer. Yeah. Don't lie. But yeah, rehearsals में he's a hard worker. So ऐसा rehearsals में कहीं पे हुआ कि जहाँ पे डांट लगाई हो आपने? Jackie, ठीक से? नहीं. Actually मुदस्सर का बहुत sweet style है. रिहर्सल्स पे हम पहुंचे, पहले दिन तो हो नहीं रहा था. हाँ. तो मुदस्सर ने कहा कि भाई अच्छा जा रहा है लेकिन ना ऐसे लग रहा है सेट पे गड़बड़ हो सकती है. सेट पे गड़बड़ हुई? नहीं, फिर मैं गोवा जा रहा था दो दिन के लिए. अच्छा. और मुझे वो ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी बिकॉज मुदस्सर ने बोला कि आपको रिहर्स करना पड़ेगा. सो या इनकी शक्ल देखिए, लगता है डांटेंगे किसी को. और अगर किसी को डांट भी दे तो बंदा बोले सॉरी मुदस्सर, मैं दो दिन तक डांस और करता रहूंगा, आप टेंशन ना लो. बट ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी स्वीट एंड यू गाइस हैव डन अ फैब जॉब. बट अब मैं चाहता हूं कि हम इस गाने का वीडियो देखें. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू, आपको मैं फिर से बुलाऊंगा एक बार. और या बिकॉज मैं फिर से चढ़वाने वाला हूँ. विल डू थोड़ा सा कार्डियो करेंगे आज. क्या हो गया? कुछ नहीं होता. ओके गाइज, कहते ना जो ग्रैंड एंट्री होती है वो सर की होती है, वो एंट्री बहुत स्पेशल होती है. सर, आई वुड लाइक टू शेक हैंड, आई वुड लाइक टू हग यू वंस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सर, वी हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू यू एंड इट्स अ प्लेजर सीइंग यू एंड शेयरिंग द सेम स्टेज. राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ग्रेट सोनू निगम, प्लीज. थैंक यू. ऑलराइट गाइस, एवरीबॉडी इज हियर, जुबिन इज ऑल्सो हियर एंड एवरीबॉडी इज हियर. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सोनू सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो गाना है आपका, टेल मी अबाउट द सॉन्ग, व्हाट्स द फील लाइक? I think, hi everyone. My song has been composed by Sharif and Doshi. और मेरे ख्याल से दोषी इस बारे में बताएं तो बेटर हो. Everyone, good evening. First of all, I'm glad to be a part of this beautiful project. And it's a beautiful song. And obviously, जब गाना कंपोज हुआ और गाना कंपोज करने के बाद, we decided to call the legend सोनू निगम सर. उन्होंने गाने को अपनी आवाज़ दी और अब गाना आपके सामने कुछ ही दिनों में आप गाना सुनेंगे और आप ही सुन के फैसला करेंगे कि कैसा. अच्छा, तो क्या हुआ कि गाना इतना अच्छा था कि मैंने पहली बार में नहीं गाया. मुझे लगा कि इस गाने को इज्जत देनी चाहिए. क्या होता, उस दिन मैं गला इतना ऊंचा जा नहीं रहा था. ये दोनों भाई लोग बहुत ऊंचा गाते हैं, इनकी ऊंची ऊंची आवाज़ें बहुत, और मैं इतना ऊँचा गाता नहीं हूँ फ्रेंकली. तो मैंने बोला यार थोड़ा गाना ऊँचा है, मुझे गला ठीक होने दो मेरा. एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द सॉन्ग मैंने कहा मैं इसको बाद में गाऊंगा, मैं ऐसे ही चालू काम करके नहीं जाऊंगा. एंड आई एम ग्लैड वी डिड दैट. इनफैक्ट कल रात को हमने बैठ के इस गाने को मिक्स किया. हम इस गाने को इतना प्यार करते हैं कि इसको हमने कल रात को मिक्स किया है. वी जस्ट वॉन्ट टू डू अ गुड जॉब, सो यू विल प्रॉब्ली लाइक इट. मैं यहाँ पर आया हूँ उसका मतलब गाना कुछ तो अच्छा होगा इसलिए. अच्छा सोनू सर, अब आप इतना कुछ बता रहे हैं उस गाने के बारे में, जस्ट अ फ्यू लाइंस इफ यू कैन, जस्ट अ फ्यू लाइंस. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी द फ्लोर इज ओपन फॉर द Q&A सेशन, द क्वेश्चन आंसर सेशन विद द मीडिया. इफ एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज फील फ्री. दिल खोल के पूछो मित्रों, पूछो एनीथिंग. हेलो, हाय हाय, माय नेम इज जैकी. हाय. हेलो हेलो नितिन सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ओवर हियर. Over here, over here. There's too much glare, so. Nitin, what took you so long to come back, you know, again after your movie? This is not my second film. This is my third film. That is Ram Singh Charlie, which is in the queue, and I guess after Mitro, we'll be coming with Ram Singh. So, हाँ, और अच्छी चीज़ बनाने में थोड़ा वक्त भी लग जाता है यार, तो time लगता है थोड़ा सा. Thank you. Yeah, we all know the title. We thought
So honestly, the film is based in Gujarat. So कपड़े भी उन्होंने वैसे पहने हैं, dialogues भी वैसे बोल रहे हैं, उनका हम लोग का setup भी वैसा ही है. So and the film is about friendship. So we thought I actually googled it. What is a friend called in Gujarati? And it said Mitra or Mitro. And then I realized, oh, that is how Modi ji uses it. And we thought it is a great title to have. It's a quirky title to have. And we also knew that once the trailer is out, people will know there's nothing political about it. It's a fun film. It's family, friends, and fun. So yeah, that's how Mitro came in. You like it or no? अहमदाबाद को किस तरीके से दर्शाया है नितिन सर, अगर आप बताएं आलोक ही आलोक. अच्छी मेरा जो एक प्रोसेस होता है, मैं जनरली आई प्रेफर गोइंग टू द प्लेस, सोकिंग इन द प्लेस एंड देन पुटिंग इट ऑन कैमरा, रादर देन एक परसेप्शन से नहीं करता मैं काम कि गुजराती ऐसे होते हैं या गुजराती, एक परसेप्शन से नहीं करता. मैं जाता हूँ, सुनता हूँ. I generally stay there, I spend some time, and then I write the script. So I think you will see a very authentic Gujarat. Humne pole area ek culture hota hai Gujarat ka, jo Gujarati hain wo jante honge. To mujhe bahut excite kiya wo pole culture. To wahan pe itna beshumar pyar, mujhe nahi malum tha Gujaratiyon mein itna pyar hai. Matlab unhone apne ghar khol diye hamare liye, wo roz hum pack up karke ghar ja rahe hote the to pakode chahe aap khake hi jayenge types tha. तो घर जैसी फीलिंग हो गई थी अहमदाबाद से, प्यार हो गया है मुझे अहमदाबाद से. सो आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस टू इट. एंड कुमार सर, किस तरीके से गीत का आगाज हुआ, लेखन का शुरू, अगर आप थोड़ा गीत के बारे में बताएं. ये मेरे को सर रब ने सोना की पंजाबी पंजाबी बहुत हो रहे गाने जी जी, तो एक नया फोक, एक नई भाषा ऊपर आनी चाहिए. तो गुजराती फोक है ये, डीजे चेतस लीजो ने कंपोज किया उसको और दर्शन ने गाया, और इसको हमने कहते फोनेटिकली ट्रीटमेंट दिया. तो कमरिया वर्ड जैसे उसमें है, तो जैसे जैसे फनेटिक उसके थे हमने वैसे रख के गाना बनाया. बाकी जैकी सर का फील था कि ये गाना स्क्रिप्ट के में तो हो, बट यूनिवर्स अपील होनी चाहिए गाने पर, जहाँ की जब गाड़ी में भी गाना बजे तो लगे कि यार हम इस पे नाचें. पिक्चर तो बाद में आएगी, लेकिन पहले गाना खुलता है तो गाने से कनेक्ट हो जाए पहले जनता. थैंक यू. जब मित्रों का जिक्र होता है तो जैकी आपको कौन याद आता है मित्रों? मुझे ऑफकोर्स मेरे मित्र याद आते हैं, और हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट मित्र हैं विक्रम मल्होत्रा जी, प्लीज स्टेज पे आ जाइए. दैट्स विक्रम जी. आई नो ही इज गोइंग टू किल मी फॉर दिस. सोनू सर, विक्रम सर आप आ जाइए ना, बड़ा ऑड लग रहा है. सोनू सर, जानना चाहेंगे, अभी एंकर साहब भी कह रहे थे कि फिटनेस मंत्रा क्या है आपका, आप वैसे ही दिखते हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले दिखते थे. आई थिंक अभी बेटर दिखते हो. उससे बेटर दिखते हैं सर. एक्चुअली कोई मंत्र नहीं है, जस्ट ये है कि लोग उस दिन सुभाष घई जी मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, आई ऑलवेज टेल बहुत प्राउडली मैं बात बोलता हूँ. उन्होंने कहा 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इतनी सेटिस्फाइड आंखें मैंने किसी की देखी नहीं है. तो ये बात है कि मैं इतना खुश रहता हूँ ज़िंदगी में और इतना सेटिस्फाइड हूँ मेरे ख्याल से. और ऑब्वियसली फिटनेस तो हर कोई, ये लोग भी सब ध्यान देते ही हैं, मैं भी देता हूँ, बट आई थिंक मोर देन दैट इट्स जस्ट टू बी हैप्पी विद वेयर यू आर व्हाट यू आर. वो मेरा एक बड़ा ईजीली हो जाता है, मुझे कोई तंग नहीं कर पाता बहुत देर तक. थोड़ा सा एक दिन की परेशानी होती है, अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली फाइन. ओके, आई एम जस्ट एक मिनट, मैं बीच में घुस के कुछ कहना चाहता हूँ, बिकॉज इतने सारे लोग यहाँ पर, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पर हैं, हमारे इतने मित्रों के बीच एक और मित्र को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो जय के पिता का रोल करते हैं. ओह माय गॉड, मिस्टर नीरज सूद, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? सो नीरज जी, जो जैकी के पिता ऑन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं. इन्होंने मेरी इतनी तारीफ की है, टीजर तो आप देख ही चुके हैं. जी प्लीज कंटिन्यू. ये सवाल मैं शारिफ तोशी से भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस गीत का आगाज हुआ, और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सोनू सर को लिया आपने इसमें. ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी वर जैमिंग वन डे, मी एंड शारिफ एंड जैकी, और ऐसे ही कुछ गाने सुन रहे थे हम लोग,
एंड सडनली कुछ गानों के बीच में ये गाना प्ले हुआ एंड जैकी लाइक द लॉ दिस सॉन्ग एंड ही सेड कि एक बार फिर से प्ले करते हैं ये गाना. देन ये गाना ऑलरेडी हमारे बैंक में था, वॉज प्लेइंग दिस सॉन्ग एंड ही लाइक द लॉट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग, द साउंड, द प्रोडक्शन, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग. फिर धीरे धीरे करते 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 फिर हमें मित्रों के बारे में पता लगा आपसे कि ये फिल्म में हम ये गाना यूज़ करना चाहते हैं. देन फिर लिरिकल कुछ चेंजेस हुए गाने, बिकॉज पहले गाना कुछ और था, कुछ और लिरिक्स थे गाने में. देन आई वॉन्ट टू से थैंक यू सोनू जी टू गिव योर वॉइस टू आवर सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, सोनू जी व्हेन ही केम टू द स्टूडियो ही वॉज ट्रेवलिंग कंटिन्यूसली एंड ही वॉज नॉट ऑल राइट हेल्थ वाइज. So he called his manager and said he was flying Dubai next day. He canned the flight and he sang the song. So it's a really honor for us always to have you in our music, in our composition. Actually, I would like to add to that, sir, ki hum studio mein the aur Sonu sir aaye aur Sonu sir ne itna acha gana gaya that we all were flattered. And we said, yaar ye kya hai, ye matlab ye kaise hota hai? And he came back and he said, I am not feeling it. I want to go back and come back and sing it again. तो बोला सर इससे ऊपर कैसे हो सकता है लाइफ में. सो ये जो बोल रहे हैं ना, ही सैटिस्फाइड, ही इज नॉट सैटिस्फाइड एंड दैट्स व्हाई ही इज स्टिल अराउंड लाइक अ लेजेंड, बिकॉज इतना अचीव करने के बाद टू स्टिल फील दैट आई हैव टू गिव मोर बिकॉज दिस इज लाइक माय फर्स्ट सॉन्ग, दैट्स व्हाई लेजेंड्स आर मेड. सो या एंड द राइटर ऑफ द सॉन्ग कलीम शेख, दिस इज हिज वेलकम सॉन्ग, फर्स्ट सॉन्ग इन बॉलीवुड. सो सबकी दुआएं चाहेंगे. कलीम भाई कुछ बोलना, दो लाइनें बोलना तो लाजिम है. कलीम दुबई वाला नहीं, ये गाने के बारे में तुषी शरीफ से जब डिस्कस हुआ एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट जैकी सर, और जिस तरह से उन्होंने नरेट किया और ये गाना फिल्म का इंटीग्रल पार्ट था, तो लफ्ज आने बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, अपने आप आते गए. एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट सोनू सर के साथ, जो मेरे लिए लेजेंड है, सबके लिए लेजेंड है. मैं आपको बता दूं, कलीम बॉलीवुड से नहीं है, ये दुबई में तेल निकालते हैं. ही इज इनटू ऑयल एंड गैस. सीरियसली ही इज इनटू ऑयल एंड गैस. एंड सो ये पहला गाना है इनका, और मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं ऐसी, और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि इस गाने को सुपर हिट बनाएं. बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सर का, माय ब्रदर जैकी एंड ऑब्वियसली द लेजेंड मिस्टर सोनू निगम. तीनों के एक सामूहिक साथ से ये पॉसिबल हो पाया. थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छे, फैंटास्टिक. अच्छा एक चीज अब मैं और बात करना चाहूंगा दर्शन और चेता साहब से. दिस इज रिगार्डिंग द सॉन्ग वी जस्ट हर्ड कमरिया. मतलब आगे आओगे थोड़ा लाइट में एक बार सब देखें आपको. टेल मी मोर अबाउट द सॉन्ग. मतलब क्या था इस गाने के पीछे थॉट, कैसे बनाया, कैसे ये, और एक कमरिया को कमरिया मतलब क्या पे गए उसके पीछे. सो आई ऑलवेज गेट अ कॉल फ्रॉम चेतस मिडनाइट. मुझे हमेशा चेतस कॉल करता है. मिडनाइट में ही करता है? हाँ, राइट. दिन में क्यों नहीं करता? नहीं, he doesn't wake up early in the morning, just like me. So रात को मुझे कॉल आता है कि भाई किधर हो. मैंने कहा भाई घर पे. बोले आ जाओ जल्दी से स्टूडियो पर आ जाओ. सो स्टूडियो पर मैं जब पहुंचा, इट वॉज अमेजिंग बिकॉज nowadays आई डोंट सी दिस हैपनिंग एंड इट वॉज अमेजिंग फॉर मी बिकॉज कुमार पाजी वर देयर, चेतस वाज देयर, लीजो वर मैं बैठे थे एंड दे ऑल वर मेकिंग अ सॉन्ग एंड दे मेड मी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड आई वॉज देयर जब पूरी प्रोसेस हो रही थी. सो वी वेर वेरी श्योर, हम श्योर थे कि पेथलपुर में वी आर यूजिंग, इट्स अ गुजराती गरबा फोक सॉन्ग विच इज संग एवरी नवरात्रि. तो हम बहुत श्योर थे बिकॉज हमको वी वॉन्टेड टू डू दिस गुजरात, हमको एक ऐसा गाना बनाना था जो गरबा तो हो ही बट क्लब्स में भी बजे. सो ही वॉन्टेड टू मेक अ सॉन्ग. बेसिकली जैकी केम टू मी इज लाइक आई नीड अ क्लब नंबर बट अ गरबा नंबर. तो क्लब नंबर हो गया, गरबा नंबर हो गया, वो मैं समझ गया, वो ये भी समझ गए, लेकिन कमरिया को कमरिया का बोलने वो पाजी का गेम है पूरा. क्या है इसके पीछे स्टोरी, क्या है, व्हाई कमरिया? बेसिकली वो वैसे गुजराती में कुछ, क्या है गुजराती में, क्या वर्ड है उसमें, क्या गुजराती में भंबरिया, भंबरिया उसमें भंबरिया था. मैं कहा इसको नहीं चेंज करना, गाना यहीं से हिट लगेगा. जो कमरिया नहीं बोलना उसको कमरिया बोलना तो ये गाना क्लिक करेगा. चलो जरा दो लाइनें हो जाए फिर गाके सुना दो. समाचम नाच आजे धमाधम ढोल बाजे नॉनस्टॉप हल्ला मचेगा ओए नाचो सारे. अपनी फेमस है रात वाली यारियां जाने सारा जहां. पेथलपुर मां सुन ले ओ छोरियां जब जब ये घूमे कमरिया तारी कमरिया.
कमरिया तारी कमरिया सूचे सारूचे बहुत बढ़िया गाइस आई वुड रियली लाइक टू थैंक Nitin sir, Jackie, they were always there in the recording session or Hamesha, they have been part of each and every line. So I'm really glad ke itna involvement in the music, full team. And I'm so happy to be here. Sonu sir is here. Really glad to be here. All amazing composers, all amazing singers. So really, I'm really glad to be part of this film, Hai, everybody. I've been very proud of the songs on stage. Yes. Very. एक और बंदा है जिसकी तारीफ अपने ने की लीजो जो मेरा पार्टनर है सो ही इज नॉट हियर राइट नाउ बट ही इज आल्सो वो हमारे बीच नहीं है नहीं बीच में है बट अभी हमारे बीच नहीं है ओके वंडरफुल बहुत अच्छे अच्छा जो पूछना चाहे कृतिका हाय हाय रसल हियर फ्रॉम मूवी 5 सो आई वांटेड टू नो आफ्टर मोनी रॉय राधिका मदन रुणाल यू आर द नेक्स्ट huge name from television who's coming to the world of films. Yeah, kya baat hai? So, I just please share how the this experience or transition has been for us all. I think I'm very glad that first of all, I'm very happy, very proud of everybody who's making this transition this year. And especially for me, I know what my journey has been like. It is not like I chanced upon this, I wanted to do this and that one meeting with Nitin sir and the fact that I'm standing here is all thanks to him. And look at this, I mean, I could not have asked for a better start, no, not a better film, definitely not a better director. And with this music, I mean, I'm feeling only grateful right now. Sonu sir, aapke samne Prashant ETV se. Music ki baat hoti hai, bahut sari cheeze badal rahi hain aur aapne bahut sara daur dekha hua hai. इन सब के बीच में ऑर्केस्ट्रा से डिजिटल युग में हमने म्यूजिक को देखा है क्या मिस करते हैं सबसे ज्यादा देखिए मिस वो करते हैं जो आज के वर्तमान को एंजॉय नहीं करते मैं कुछ मिस नहीं करता मिस करने में इंसान का ईगो आता है अरे हमारे जमाने में बड़ा अच्छा था यार आजकल तो क्या हो रहा है आजकल लोग क्या गा रहे हैं आजकल क्या म्यूजिक बन रहा है ये टेंडेंसी रॉन्ग है हर जमाने में अच्छा काम होता है बुरा काम होता है हर जमाने के एडवांटेजेस होते हैं डिसएडवांटेज होते हैं ऑफ कोर्स हमने एक जमाना गाया जब मैंने वो गाना गाया था दशमी का प्यारे जी के लिए आई मीन आई एम द ओनली वन सिंगर इन दिस फ्रॉम द जनरेशन हु कैन क्लेम टू हैव वर्कड विद सलील चौधरी अनिल बिस्वास लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अब इन लोगों के साथ भी काम कर रहे हैं तो मतलब आई हैव एंजॉय दिस जर्नी वो भी टाइम था हमने महबूब स्टूडियो में गाते थे लाइव म्यूजिशियंस 150 लोग बजा रहे हैं हम साथ में गा रहे हैं वो भी टाइम देखा था अभी भी ये भी है कि हम एक बार जाते हैं फिर मन करता है बाद में गा लेंगे तो फिर बाद में गा लेते हैं और अच्छा गा लेते हैं कभी कभी पंच करके गाते हैं पहले हम वन टेक गाते थे सो बट आई एंजॉयड दैट टाइम टू एंड आई एम एंजॉयिंग दिस टाइम ऑल्सो सो ऐसा कुछ नहीं है आई रिमेंबर इट बट आई डोंट मिस इट एज सच बिकॉज आई एम हैविंग अ गुड टाइम इन माई प्रेजेंट ऑल्सो जैकी इस फिल्म के जरिए क्या भरोसा लेकर आप आ रहे हैं हमेशा फिल्में प्रॉमिस के तौर पर सामने आते मैं एक्चुअली आई एम जस्ट हम्बल्ड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू Nitin Kakkar ji, he is the star of this film and he is the genius and we've just tried our level best. Thank you to Vikram ji and I've always asked for this opportunity all my life. Mujhe wo opportunity mili hai. So thank you so much aur on a serious note, abhi tak jo bhi warm wishes aa rahe hain, teaser, trailer, gaane ko leke, for me it's very heartwarming, very humbling. So yes, just thank you so much. That's all I would say. And I hope this time it's good enough. Jackie, over here. Jackie, over here. So we see you performing here. We see you performing lengthy Gujarati dialogue. So for the film, have you learned Gujarati extensively? So I'm Sindhi. My surname is Bhagnani. और मैंने इसलिए मैं आज तक भागा नहीं हूँ बट जैकी भाई दोबारा भाई बहुत अच्छे आप कर लो शुरू कर लो आप आपका आ ही जाता है कहीं ना कहीं बहुत अच्छे बट तो मुझे नितिन सर ये जो आप नितिन सर का क्वाइट साइड देख रहे हैं सेट पे ऐसा नहीं होता है हम सब बहुत डर के रहते थे बिकॉज नितिन सर इज वेरी वेरी क्लियर ही इज वन ऑफ द मोस्ट इवॉल्व्ड ह्यूमन बींग्स आई हैव मेट इन माई लाइफ और उनका बहुत क्लियर था कि हम एक गुजरात फ्लेवर की गुजराती पे एक फिल्म बना रहे हैं एंड जनरली ऐसे होता है कि यू नो आप लाउड व्हेन यू थिंक अबाउट गुजरात यू थिंक लाउड यू थिंक आर 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 यू थिंक ओनली स्टफ लाइक दैट तो हमें कहा गया था कि आप प्लीज़ एकदम रियल रहिए
and especially mujhe, because baki actors bahut acche the. To gujarati monologue tha aur Nitin sir ne kaha ki agar aap sahi tarike se nahi bolenge to hum isko hindi mein lenge. To it was a challenge. I don't know gujarati. Mujhe jitni gujarati aati hai wo aap dekh rahe hain film mein, bas usse zyada aati nahi hai. To hamare ek acting coach hai Hemant sir, wo bhi hamare beech mein nahi hai abhi, yahan nahi hai. Aur 20 din unhone mujhe ट्रेनिंग दी और मैंने नितिन सर से कहा था कि प्लीज़ इसको थोड़ा लास्ट में शूट करना क्योंकि ये एक टेक में लेने वाले थे नितिन सर. सो आई ट्राइड. आई डोंट नो, यू गाइस टेल मी इफ सी. आई जस्ट इंटरवीन हियर इन बिटवीन. मेरे साथ जब स्टूडियो में बैठे थे जाके, हम लोगों ने ये डायलॉग करा था और मैंने ट्वीट भी किया था इसका हिंदी वर्जन. एक्सप्लेन इट, व्हाट इज इट? इट्स जस्ट नॉट एनी डायलॉग गाइज. वो ऐसा नहीं गुजराती बोल रहा भाई, कुछ बोल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट. पहले वो डायलॉग बोलो, डायलॉग हो जाए थोड़ा बहुत हो जाए फर्स्ट. Any Gujaratis in the house? Woo! ત્રણ હજાર બોલતા તારા મોડામાં 3000 કોકરોચ કેમ ના પડ્યા? પૈસા શું મારા બાપના વાળા પર ઝાડ પર રોગે છે? અરે જ્યારથી તને ગર્લફ્રેન્ડ બનાવી છે ના ટોપી, ત્યારથી મારા નસીબ અને કિસ્સા બંનેમાં કાણા પડી ગયા છે. આજે આ લાવ કલે પેલું આપા પરમ દિવસે ઢીકણો લાઈ, કોઈ દિવસ 100 જોઈએ કોઈ દિવસ 500, અને આજે તો સીધા 3000. અરે ટોપી, તને ખબર છે 3000માં કેટલું બધું આવે? 15 બિયર આવી જાય, 3000માં નેવા હેડફોન્સ પણ આવે, બેલ્ટ, વોલેટ, ગોગલ, બ્રાન્ડેડ અંડરવેર, જે જોઈએ તે આવે. અને હું તને પૈસા શું કામ આપું? તારા બાપ છું, આપણે સેમ ઓફિસમાં કામ કરીએ, સેમ ટુ સેમ સેલેરી લઈએ, પણ પૈસા માટે ફક્ત મારું જ કિસ્સું કતરવાનું. બોલ, સાયલેન્ટ મોડમાં કેમ ઊભી છે? કરોડી નીરજજી, આપસે મેં એક સવાલ કરના ચાહતા હું. આપ જિસકે ભી બાપ બનતે હો ઉસકી વાટ ક્યું લગતી હૈ? मुझे क्या पता, लेकिन फिल्म हिट हो जाती है. हाँ मतलब तो चलेगा भाई. ऐसा क्यों होता है? आप जब पाप बनते हैं तो वो कोई अपने पाप धोता है पूरे, क्योंकि सारे अंडर प्ले करने लगते हैं. No, but how was the experience? How was the experience? एक्सपीरियंस तो ये खड़ा है हमारे सामने जिसके बारे में ये बोल रहा था. मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस रहा. नितिन सर ने बुलाया, मेरी समझ में नहीं आया. मैंने तो गुजराती का हमेशा लाउड वर्जन देखा था. अच्छा, ये यूज टू नहीं होना इन चीज़ों का. नीरज सर अभी थोड़ा नर्वस हो रहे हैं. तो सर ने बोला कि, मैंने कहा सर गुजरातीज के ना चार रेजोनेटर होते हैं, जो मेरे हिसाब से सर ज़्यादा बेटर जानते होंगे. ए ई अ अ नीचे वाले रेजोनेटर यूज ही नहीं करते ओ वाले. केम जो सारी जे, हाँ मजे में, हाँ मजा. तो यही वाला उनका, डांटेंगे भी इसी में, प्यार भी इसी में, सब कुछ इसी में. तो इन्होंने वही कटवा दिया. उन्होंने बोला आप ये वाला रेजोनेटर यूज़ करो. बोबड़ी बंद कर अवे सू दैया. तो मैंने इससे ज़्यादा गुजराती पहले कभी बोली नहीं थी. तो ये नितिन सर का ही है, वही हेमंत सर जिनका, उन्होंने ही हमको भी जी. एंड ही इज अ फैंटास्टिक ट्रेनर हेमंत सर. आई हैव ट्रेन्ड अंडर हिम. ही इज अ फैंटास्टिक. या मतलब मुझसे करवा लिया तो आए. वो हमारे बीच नहीं है पर यहाँ नहीं है. ये मतलब हम दोनों से करवा लिया तो मतलब ही इज अ वेरी गुड टीचर बिकॉज़ फिल इन द ब्लैंक्स. वेरी गुड. एनीथिंग एल्स गाइस? नीरज सर प्लीज. तो फिल्म में तो आपके पास काफी अच्छे सुपुत्र हैं, रियल लाइफ में ऐसे जैकी जैसे पुत्र चाहेंगे आप? चाहता हूँ, अभी हुए नहीं है, लेकिन दो भांजे हैं सेम हैं, एक बेंगलोर में एक चंडीगढ़ में. तो समझ सकते हो आप ऑप्शन. बेंगलोर का अलग होता है और चंडीगढ़ का अलग होता है. चंडीगढ़ का ऐसे ही होता है, मैं ऐसा वाला होता है. तो ऐसा वाला छोटा वाला है. जैकी, गुजरात में फिल्म शूट हुई है, तो गुजरात का एक्सपीरियंस क्या रहा शूटिंग के दौरान? हमारा एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत अच्छा रहा. हम शूटिंग के 8-10 दिन पहले चले गए थे और हाँ जी, और वी वर देयर फॉर 50 डेज. और जब हम वहाँ जब मैं वहाँ गया तो यू नो वी ऑल रियलाइज दैट बहुत सारे क्लीशेज होते हैं हमारे दिमाग में कि गुजरात ऐसा है या ऐसा होता है. एंड वहाँ पे साबरमती डैम के इस तरफ पोर है और इस तरफ मॉडर्न है. Is as modern as Bombay or maybe more. And yes, it's just all thanks to Nitin sir, because wo constantly hame kehte rehte the ki please do justice to Gujarat, and any Gujarati who comes out of this film should not feel ki yaar aise to hum baat nahi karte, and that was humiliating. So yes, it was just amazing. And yeah, I feel like I'm half Gujarati right now. Hi Darshan, Vaishali Chandra yo. From alphaworld.com. Kem che. Ekdam maja ma. Kem cho. That's a cool version. Kem che. Urban Gujarati, no? Kem che. Yeah.
It must have been easy for you being a Gujarati. Yeah, it was easy. For me, it's easy if it is Gujarati or Hindi. For me, it's easy only. But yes, I had more connect. I was really enjoying and dancing while singing the song. Because if you notice, last me, there's a proper Gujarati, the original song which is there. So if you used, I was really enjoying. I was jumping and dancing in the studio. And this guy has made it even cooler. The music is amazing. So yes, I really had a great fun while singing the song. So we'll have this additional track this Navratri. Yes, you're going to... hear this and dance on this. Thank you. Darshan has also sung Sanedo for us in this film. Yeah. My question is for Nitin sir. So sir, how did you come about casting Kritika and Jackie for the film and how satisfied are you with their performance? I think if you see the character is exactly the way Jackie is in real life. So he doesn't have to work hard. See Jackie, what I'm talking about you. Jackie is so down to earth. So yes. But Kritika also, I think I have seen her work on television also, and I've been, so I used to do television once upon a time, and I remember once I was at Cinevista shooting and she just passed, and or rather she was talking to some people there, and I looked at her and I thought that she should be doing films, and I didn't know that time I would be doing films. And so it's been we came full circle in a way where when we were doing this film and Kritika's name came up and I had seen her perform and I really like her performance. But in the film, I think both of them have worked really, really hard. They have given their heart and soul and whatever call times which we have given them and they've just worked really hard over the film. And I hope people like it and because it's full of honesty is what I would put it as. On this note, I would also like to call Shareb up, please. Shareb, come up. Shareb is the writer of the film who's adapted Pelli Chiplu into Whoa! Shareb Hashmi! Shareb Hashmi and Shareb is also my actor on Filmistan. So yeah, that's how. So I'm very happy to have Shareb with us. I'm doing my fourth film right now and all my films have been written by him and I hope this association goes long. And also on this note, I would take an opportunity to thank each and everyone on stage. Thank you for giving us such an awesome album, guys. I would say this is not because it is our film, but I really feel every song has a different flavor and you guys have just hit it out of the park. And दर्शन की फैन फॉलोइंग मैंने को पता नहीं थी इतनी है पागलपन है दर्शन के लिए एंड सोनू सर जस्ट लेफ्ट स्टेप डाउन आई गेस एंड आई वांट टू थैंक सोनू सर इफ यू कैन हियर मी सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दिस जेंटलमैन जुबिन नौटियाल आई रियली लव हिम अ लॉट एंड सो डू आई लव दीज गाइज हु हैव बीन सच अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ दिस जर्नी एंड मुदस्सर He's one of the most loved person on the set. I think he's blessed. And thank you, Mudassar, for being a part of the thing. I will also thank Tanish Bagchi and Yo-Yo Honey Singh for giving us a beautiful track. And Firoz Khan, who has choreographed that track for us. Guys, so thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you, everybody. I would like to add to this. There are two people who are very close to my heart. And I found two brothers in them. That's Prateek Gandhi and Shivam Parekh. Guys, please come on stage. And I think, Prateek, you would like to. कोई नहीं बताएगा मित्रों में MI क्यों है? AM नहीं हो सकता था. नहीं वो MI is mitro ना. अच्छा, you're saying why is it written MI and thro separately? Oh, that's a call of the marketing team. I think you can answer that better, sir. You want to answer that? It just looked very good when we saw it. That's the deep thought behind it. Anji? Chaliye, then we are very happy. Job done. Thanks. So, thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, guys. So, I'm Prateek Gandhi. I've been doing Gujarati theater and primarily Gujarati films all this while. So this is my first Hindi film.
And I'm really glad the way sir has designed the film and what they said is correct, that Gujarat is shown in absolutely vibrant and a fresh manner. So Gujarat mein jitne bhi dost hain, Gujarat mein jitni bhi family hain, jitne log Gujarati film dekhte hain, un sabko ye lag raha hai ki ye film Gujarat ko alag tarah se dikha rahi hai, Gujarati culture ko, Gujarati language ko, Gujarati logo ko ek stereotypical mold se bahar nikal ke acche se dikha rahi hai. So I'm very, very glad to be a part of it and very glad that this is my first Hindi film. So thank you very much, sir. Can I request something? Can I request something? Okay, there's a scene in the film between Kritika and him. Yeah. So, which is not there, which is a part is there in the trailer. So I will tell you to take the line, your line, which is... remember it? Do you? Ronak, do you follow time? Time. You see, मैं दुनिया में ही time से पहले आ गया था. 45 minutes का workout 30 minute में खत्म. आज तक date पर एक भी लड़की को wait नहीं करवाया. Time मतलब रौनक, रौनक मतलब time. You see? You want to say something, Shiva? I am just thankful to be part of this film. This is my first Hindi film. And this is my first film. So. So. So gratitude is the word. Thank you, Nitin sir. Thank you. Great. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Thank you.